तहसील मंडी में एनआईए के छापे साफजिया के डन्ना से शख्स को हिरासत में लिया गया। कई घंटे तक किए गए सवालात। अंजुमन जातिया पहुंच की जानिब से मिलादुन नबी के मौका पर गुज़िश्ता तब इमाम बारगाहिया में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। नात खां हज़रात ने नात मनक़बत पेश की तो उलमाए किराम ने सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाली मुफस्सल रोशनी। वो आगे बढ़ेगा जिस आयत से किसी को ये समझ में आ रहा हो कि रसूल हम जैसे हैं, वही आयत ये बता रही है कि रसूल तुम जैसे नहीं हैं। वो आयत का अगला फिक्र है कि आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं यूहा इलैया, मगर तुमने और मुझमें बहुत बड़ा फर्क है। तुमने और मुझमें फर्क यह है कि मुझ पर वही आती है, जिस दिन तुम पर वही आ गई उस दिन मैंने सारे बशर एक हैं। उसी आयत के अंदर परवरदिगार ने जवाब दे दिया। अब पूरी दुनिया सरकार रिसालत मार्ग की मजाक कर रही है। इतना फर्क हो गया कि वो खुद को कहे कि मेरी तारीफ होती है, अपने हबीब को कहे इसकी बहुत ज्यादा तारीफ होती है। अजब नहीं परवरदिगार की तरफ से जवाब आए कि तुम सब मिल करके मेरी तारीफ करोगे तो मैं महमूद रहूंगा, मैं अकेला अपने हबीब की तारीफ करूंगा। शिया यूथ ने और अंजुमन जाफिया की जानिब से हाथीथान बाजार में लगाई गई सभी ठंडा मीठा पानी और जूस वगैरह किया गया तकसीम। तमाम अहले इस्लाम को ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करते हैं, जिसके सदके में ये कायनात बनी, जिसके सदके में ये कायनात बनी, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है। जिसके सदके में ये कायनात बनी, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है। आज आप देख रहे हैं हफ्ताए वदत जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर यहाँ पे अंजुमन जाफिया पुंछ की जानब और शिया यूथ की जानब से आज तबरुक लगाया गया है। ठीक जो है 12 से 17 रबीउल अव्वल तक अंजुमन जाफिया पुंछ की जानब से जो है हफ्ताए वदत का इनेकाद किया गया था, जिस जो के कल इख्तिताम पज़ीर हुआ। आज उसी मुनासबत से जश्न ईद मिलादुन नबी जो है आज मनाया जा रहा है, और जो फ्राइडे जो फॉलोइंग ईद मिलादुन नबी आज छुट्टी भी है, तो इस मुनासिबत अगर देखेंगे तो आज यहाँ बाजार में बहुत चहल पहल है। और इसमें तमाम अहले इस्लाम के मुसलमानों को हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। और ये ऐसा महीना है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीफ लाए और पूरी दुनिया के लिए रहमत बन के आए, तो इसलिए तमाम अहले इस्लाम को हमारी तरफ से और तमाम अहले इस्लाम के मुसलमानों की तरफ से दिल की इतनी गहराई से मुबारकबाद। गैर सरकारी तंजीम यशन ने टीबी के मरीजों को गोद लिया, कहा उनकी तंजीम टीबी के मरीजों का हर तरह से करेगी ताऊ। एसोसिएशन पत्रिका ह्यूमैनिटी नेशन के नाम से देखिए प्रेसिडेंट जो हमारे होने पर
इंडिया के जो मुर्मू जी मैम है, उन्होंने एक कोई गाइडलाइन इशू की जो टीबी पेशेंट है ध्यान दे रही है, तो इनको कोई प्राइवेट लोग जो है इनको अडॉप्ट करें, जो इनको जैसे एक ऐसी बीमारी है लोग उनसे दूर भगते हैं, तो उन्होंने एक गाइडलाइन दी थी कि इनको अडॉप्ट करो। तो आज हमारी जो यशर एन जी ओ है उनके आज हमने दो पेशेंट अडॉप्ट किए हैं, इनको हमने आज जो न्यूट्रिशन जो हमने एक इनकी मदद की है, तो इसमें वोकेशनल भी है, एक डायबिटिक डायग्नोस्टिक जो है, ये तीन तरह की मदद है। तो हमें जो सपोर्ट दी है, हम न्यूट्रिशन सपोर्ट दिए, तो मैं ये वादा करता हूँ जितने भी पेशेंट हैं, चाहे वो 200 हैं 250 हैं, सारे हमारे जो एनजीओ है सबको तरह की सपोर्ट दी जाती है। न्यूट्रिशन सपोर्ट दे सकते हैं, आइदर न्यूट्रिशन सपोर्ट, वोकेशनल सपोर्ट और इसमें डायग्नोस्टिक सपोर्ट जो दे सकते हैं। तो हम जो है अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में नियर अबाउट 82 लोगों ने जो है पेशेंट्स को अडॉप्ट किया है और वो निक्षय मित्र बने हैं। हमारे बीच में जो एक हमारे जो खास यशन एनजीओ जो है सलारिया साहब, इन्होंने यहाँ पर आकर दो पेशेंट्स को अडॉप्ट किया है और उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट जो है उनको प्रोवाइड करवाई गई है, और वो आगे भी उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आगे भी वो इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे और पेशेंट्स को अडॉप्ट करेंगे। जिला गांधरबल के हाजीन सोफी आबाद इलाका की सड़क खस्ताहाली का शिकार, मुकामी लोगों को करना पड़ता है कई तरह की मुश्किलात का सामना, सड़क की मुरम्मत करने, नकासा दुरुस्त करने और वहां के लोगों को पानी की किल्लत से नजात दिलाने की गई इंतजामिया से अपील। तुम वो कूतः मकुर स्मेल यहाँ कहान ये त्रोत त्रास हर कह बदल नजर दपा तुम वन तुम मंगान करान ना तुम अस कर मसल कर सोन हल तुम गाँस गोजनी कह आब प्रॉब्लम तह मतलब हेरिया वाटर प्लाट वो नज़ आब पाँच शवरी गए पाइप त्रमित मगर आबी ना चतजी हन ग पाइप وٕنکیٚنَس کیاہ چھُو تُہۍ تیٚلہِ آب مۄکھ کَران؟ واریاہ کَم حظ چھِ آب یِوان نیٚبرٕ کَنہِ چھُ پیٚوان پھیوٗرا پھیوٗرا رَٹُن، سُہ چھُ پیٚوان استعمال کَرُن۔ हम से कुछ ये हो सकेगा कि अगर कोई खड्डे वगैरह वहाँ है या किसी अगर रास्ते की बात कर रहे हैं तो इमीडिएटली हम रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, रिपेयर करवा भी देंगे और बाकी जो फुल फ्लश ड्रेनेज सिस्टम वहाँ बनेगा, पर्टिकुलरली उस कॉलोनी के लिए अगर कॉलोनी की बात कर रहे हैं वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही हम टेकअप करेंगे। तब तक अगर उस जो वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम है उसकी अगर सफाई वगैरह होती तो बदबू कम होती? बिल्कुल, हमारे पास कुछ केमिकल्स वगैरह रहते हैं, कुछ बायो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स रहते हैं। अभी आप जैसे आपने बताया गया है, इससे पहले रिपोर्ट नहीं हुआ है, कोई किसी ने रिपोर्ट नहीं किया था, जस्ट इतना कहा गया था कि वहाँ ड्रेनेज सिस्टम की ज़रूरत है। तो मैं अभी इमीडिएटली सैनिटरी इंस्पेक्टर को वगैरह भेज के जितना भी हमसे हो सकेगा कोई केमिकल सिलाइड वगैरह यूज करके उसको, और अगर हमें लगता है कि डिसिल्टिंग या किसी और चीज़ की ज़रूरत है वो भी करें। विलादत बासआदत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इमाम जाफ़िर सादिक अलैहि सलाम के मौके पर करगिल के सदर मुकाम पर अहाता इस्लामिया स्कूल में तकरीब का इनेकाद किया गया। उलमाए कराम ने सीरत पाक पर डाली रोशनी। Yeah.
वहदत बनाई बस बदरिंग नगरी मिलाद एक खाते में अनबिया मौती के नबी फातिमा कम अल्लाह को गई कि खाते में अनबिया अल्लाह ताला आलम बशरियत फिरिस इंसानियत फिरिस रहमत लिल आलमीन को से सबसे कम वाद की फिरिस्ना नगर रंगला की पैरवान खाते में अनबिया इनाम एकजुट की जानिब से जम्मू में एहतजाज शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर बाबा जीतू यूनिवर्सिटी रखने का क्या मुतालबा। उसका नाम बदलकर बाबा जीतू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रखा जाए। वो हम इसलिए कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर को खेती बाड़ी को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे बाबा जीतू जी करते हैं और उनसे बड़ा कोई फार्मर या हमारा लोकल हीरो जम्मू का कोई नहीं है। इसी चीज़ को देखते हुए एकजुट जम्मू की डिमांड है कि शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी को बाबा जीतू यूनिवर्सिटी रखा जाए ताकि आने वाले जो हमारा यूथ है जो वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं उनको एक इंस्पिरेशन मिले। इंस्पिरेशन ये मिले कि बाबा जीतू जी ने अपना अपने राइट्स को देखते हुए अपना अपनी जान दे दी थी। उन्होंने हक जो जो अन्याय है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो उस चीज़ से देखते हुए बच्चों को इंस्पिरेशन मिलेगी। और जो शेर कश्मीर की आप बात कर रहे हैं उन्होंने हमेशा जम्मू का बेड़ा गर्क किया है, जम्मू के खिलाफ पॉलिसीज बनाई हैं। तो जम्मू कश्मीर से मतलब क्या आपका ये बताइए? शेर कश्मीर से मतलब है शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला आप जानते हैं भलीभांति कि शेख अब्दुल्ला ने कभी भी जम्मू के हक की बात नहीं की। उन्होंने एक रिलीजन को देखते हुए अपने कश्मीर में जो एक पार्टी खड़ी की या एक जो माहौल वहाँ पे बनाया वो महाराजा हरि सिंह जी के खिलाफ बनाया था। उस वक्त जो एक सेकुलर महाराजा थे जिन्होंने जम्मू और कश्मीर को सबको एक साथ लेकर चले। अगर क्या गुजरों की बात करें आप बहुत सारी कहानियाँ उन पर जो मैं सुनाऊँगा तो वक्त चला जाएगा। बड़ी सारी कहानी है उनको, उन्होंने अपनी गुजरों को बेटियों को अपनी बेटियां कहा है। तो एक सेकुलर थे, वो सेकुलरिज्म को खत्म करने के लिए इस कम्युनल डिविजनल कमिश्नर श्रीनगर ने कहा कश्मीर से फलों के ट्रकों की बड़ी तादाद नेशनल हाईवे से जा रही है। कहा इस बार सेबों की ज्यादा पैदावार होने की वजह से थोड़ी परेशानियां हुई। ट्रक्स फ्रूट लेडर जो है इसे हाईवे से निकाले हुए हैं। हर डेली जो है 1500 से 2000 है, उसमें से कुछ एक ट्रक जो है मुगल रोड के जरिए भी भेज रहे हैं। अभी कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। जो कुछ एक दिन पहले आई थी उसका कारण मेन ये था कि लोगों ने एप्पल की हार्वेस्टिंग एक ही बार की थी और इस साल एप्पल बम्पर पैदाइश दे करके जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बताओ कि यहाँ का एप्पल की पैदाइश सालाना 17 से 18 लाख मेट्रिक टन होती है, इस साल वो 21 लाख मेट्रिक टन क्रॉस करने जा रही है। एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। जम्मू फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू में बड़े मल्टी ब्रांड स्टोर कायम करने का किया मुतालबा। दीगर सहूलियात फराहम करने की भी की इंतजामिया से अपील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से अपील करूंगा कि वो स्टेक होल्डर्स की मीटिंग बुलाएं कि जो इतनी बड़ी जीएंस के साथ एक आम दुकानदार या एक छोटा इंडस्ट्री मीडिया के माध्यम से हम आज एक बार फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा गुहार लगा रहे हैं भारत सरकार को, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि वो अर्जेंटली इंटरवीन करें और कंसर्न डिपार्टमेंट जो केंद्र सरकार के हैं जो दवाइयों को कंट्रोल करते हैं चाहे वो प्राइस है या उनकी क्वालिटी है उसमें इंटरवीन करें, क्योंकि आए दिन हिंदुस्तान के कोने कोने से जो खबरें आ रही हैं कि दवाइयां नकली आ रही हैं, सब्सटेंड का बढ़ गया है चलन, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ देर पहले तक हम गारंटी लेते थे जैसे जम्मू शहर में हम नकली दवाई नहीं आने देते, मगर आज हम कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं। अगर सोर्सिंग प्राइस जो बड़ी चेंज की है वो जो होलसेलर से बहुत कम है और जो MRPs बहुत ज़्यादा हैं, हम पिछले साल से बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं इन चीज़ों को करेक्शन कीजिए, सोर्सिंग प्राइस एक होनी चाहिए।